इलाके, ठीक है, जैतपुर के प्रोडक्ट्स मेन। फिल इन द ब्लैंक्स, एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द मेजोरिटी ऑफ पीपल। एग्रीकल्चर जो है वो मेन ऑक्यूपेशन है लोगों का, ठीक है, जेरा मुआश है। सेकेंड वन, वुलन क्लॉथ कंटेन मैनी स्मॉल पॉकेट्स ऑफ एयर। वुलन क्लॉथ जो होते हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉल स्मॉल पॉकेट्स होती है एयर के लिए, ठीक है, ताकि आवाज़ उसकी। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाई 10% ऑफ द वर्ल्ड वुल। जो मुस्लिम ममालिक है वो पूरी दुनिया के 10% जो है वो वुल सप्लाई करते हैं। पाकिस्तान इज़ द फोर वर्ल्ड फोर्थ टॉप प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन। पाकिस्तान चौथे नंबर पर आता है कॉटन प्रोड्यूस करने में। द सीड्स आर क्रश्ड वैन फाइबर्स रिमूव फ्रॉम स्पिनिंग। जो सीड्स होते हैं उनको क्रश किया जाता है, पीसा जाता है, और फिर यानी कि रिमूव फॉर स्पिनिंग, और फिर स्पिनिंग की वजह से स्पिनिंग के जरिए रिमूव किया जाता है फाइबर्स को। शुगर इज़ यूज इन केक कन्फेक्शनरी। शुगर जो है वो केक कन्फेक्शनरी में भी यूज़ होती है। शुगर क्रिस्टल इज़ लेफ्ट एज अ वाटर इन जूस टर्न टू स्टीम। शुगर क्रिस्टल जो होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। पाकिस्तान प्रोड्यूसेज 3.5% ऑफ द शुगर। पाकिस्तान जो है 3.5% जो है शुगर प्रोड्यूस करता है। रबर इज़ मेनली यूज टू मेक टायर्स। रबर जो है वो टायर बनाने में यूज़ होता है। द लीव्स ऑफ द टी बुश आर पिक बाय एक्सपीरियंस वर्कर। जो टी की जो बुश होती है ना वो बहुत ज़्यादा यानी कि तजर्बाकार लोगों जो वर्कर्स होते हैं ना वो यानी कि पिक करते हैं। इट ग्रोज बेस्ट ऑन माउंटेन स्लोप विद प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। ये पहाड़ियों की चोटियों पर यानी कि इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। कॉफ़ी इज़ मेड बाय रोस्टिंग द कॉफ़ी सीड। कॉफ़ी जो होती है वो कॉफ़ी सीड को रोस्ट करके यानी कि हासिल की जाती है। द वर्ड कॉफ़ी वी कम फ्रॉम अरेबियन वर्ड का खेमा। जो कॉफ़ी का लफ्ज़ है वो अरबी लफ्ज़ है, कावा उससे लिया गया है। मोस्ट कंट्रीज़ हैव टू इम्पोर्ट ह्यूज क्वान्टिटीज ऑफ वीट। बहुत सी यानी कंट्रीज़ को इम्पोर्ट करना पड़ता है वीट। मलेशिया इज़ द वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पाम ऑयल। मलेशिया जो है पाम ऑयल का लीडिंग प्रोड्यूसर मतलब सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। द मुस्लिम चूज़ द राइट ऑप्शन। द मुस्लिम वर्ल्ड सप्लाई इज डैश ऑफ वूल 10% ऑफ वूल। शुगर इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द जूस ऑफ शुगर केन। डैश इज़ वर्ल्ड बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन चाइना। डैश इज़ पॉपुलर ड्रिंक इन पाकिस्तान टी। श्योर कर सर, विच एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ग्रेन्स फाइबर प्लांट्स फूड वेजिटेबल लीव्स एंड रूट्स आर इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। ये इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दालें वगैरह, फिर फाइबर्स, और फिर कुछ कुछ यानी कि लीव वेजिटेबल सब्जियाँ वगैरह। विच थिंग्स आर मेड बाय नेचुरल रबर। नेचुरल रबर से कुदरती रबर से कौन सी चीज़ें बनती हैं। ग्लव्स ट्वाइस रबर बैंड्स पेंसिल और इरेजर्स। वेयर कोका इज़ यूज इट यूज इन सम कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन। ये कुछ कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी दवाई अद्वियात में भी यूज़ होता है। हाउ वी गेट शुगर फ्रॉम शुगर केन। द केन इज़ क्रश फॉर जूस विच इज़ देन बॉयल्ड इन यूज पैन। ओपन पैन पहले क्रश किया जाता है, फिर ओपन पैन में बॉयल किया जाता है। एज द वाटर इन द जूस टर्न टू स्टीम, फिर भाप में बदल जाता है। इस क्रिस्टल आर लेफ्ट बिहाइंड, फिर क्रिस्टल बाकी आ जाता है। अब आप लोगों ने इसका सारा ऑब्जेक्टिव भी याद करनी है और शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं। टेक केयर एवरीवन।